हेलो रोन, आज क्लास में एक्सरसाइज 14.2% थर्ड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ फ्राइडे डेज वाज एज फॉलोस। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। सेकंड, विच मंथ ऑफ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। देखिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग एक आ गया, आपके पास एक सिटी है जिसमें 30 डेज तक वहाँ की ह्यूमिडिटी को काउंट किया गया, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, और ये जो काउंटिंग है ये परसेंटेज में की गई। जैसे किसी दिन 98.1% ह्यूमिडिटी आई, किसी दिन 98.6 आई, इस तरह से करके 30 डेज तक इन लोगों ने काउंट किया। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये जो गिवन डेटा है, ये जो आपके पास डेटा है, इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए आपको रिप्रेजेंट करना है। उसमें आपको इंटरवल लेने हैं, इंटरवल कुछ ऐसे लेने हैं, 2 का गैप लेना है, आप देख सकते हैं 84 to 86 ऐसे करके एंड सो ऑन। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है डेटा जो है कौन से मंथ या फिर कौन से सीजन का है। फिर थर्ड पार्ट में आपको ये बताना है इसकी रेंज क्या है। तो चलिए हम तीनों पार्ट्स को फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपनी जो टेबल बनाएंगे वो कुछ ऐसी बनाएंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग लेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मिडल ऑफ द टेबल हम लोग लेंगे टैली मार्क, और लेफ्ट साइड में हम राइट साइड में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब आपको जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कैसे लेनी है, इंटरवल्स में लेनी है। कैसे, जैसे कि देखते हैं, नॉर्मली हम लोग 84 to 86, ये आपका सबसे फर्स्ट इंटरवल होगा। क्यों, क्योंकि 84 से नीचे कोई वैल्यू है नहीं इस डेटा में। अगर आप लोग देखेंगे तो 84 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद 86 to 88, 2 का गैप लेना था, एंड सॉरी यहाँ 90 होगा, नहीं 80 रहेगा, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, एंड द लास्ट वन इज 98 to 100। 100 से ऊपर लेंगे नहीं, क्योंकि कोई परसेंटेज 100 से ऊपर जाता ही नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज, इसके लिए क्वेश्चन में चेक करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोगों को नंबर जो फाइंड करने हैं वो 84 से 86 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उन्हें फाइंड करना है। आप 86 को काउंट अभी मत करिएगा, उसे हम लोग नेक्स्ट वाले इंटरवल में यानी कि इस वाले इंटरवल में काउंट करेंगे। फिलहाल हम लोग 84 टू 86 में देखते हैं। फर्स्ट लाइन में तो कुछ भी नहीं है इस तरह का, सेकेंड लाइन में भी नहीं है, थर्ड लाइन में हमें मिल गया 84.9, बस हमें एक ही मिला है फिलहाल। सो यहाँ नंबर ऑफ डेज लिखिए 1, टैली बनानी है तो यहाँ पर बस एक लाइन बना दीजिए, ये होगी इसकी टैली। ओके, ऐसे अब हम लोग आते हैं 86 to 88। हम इस बार हम लोग 86 को काउंट कर सकते हैं। ओके, देखिए 86.5 हमें एक मिल गया, इसके अलावा सेकंड लाइन में भी नहीं है, थर्ड लाइन में भी नहीं है। सो हमारे पास इस बार भी 1 ही आया है नंबर ऑफ डेज, टैली 1 हो गई। अब 88 to 90 हम लोग चेक करते हैं। इस बार हम लोग 88 को काउंट कर सकते हैं क्योंकि इस वाले में आ गए इंटरवल में। 90 को काउंट मत करिएगा, 89.2, 1 और ये 2। सो हमारे पास ये देखिए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में मेरे को मिला है नंबर ऑफ डेज, इसमें आए 2, टैली 1 2। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं 90 to 92 में। इस बार 92 को काउंट मत करिएगा, मतलब कि अगर सीधी सीधी बात की जाए तो ये जो अपर लिमिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट साइड में नंबर है, इनको इनके इंटरवल में काउंट मत करिएगा। मतलब कि अगर जो इंटरवल इनका है इसमें इनको काउंट मत करिएगा, 88 जैसे इस इंटरवल में, तो उसको काउंट मत करिए। 86 से लेके 87 या फिर उसके बाद के काउंट कर लीजिए, 88 को अगले वाले इंटरवल में काउंट करेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या था हमारे पास, 92 92। सो चेक करते हैं हम लोग, 90.31 और 90.2, इस बार भी 2 आया है। टैली कैसे बनाएंगे, 1 2, 92 to 94 को काउंट मत करिएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ 93.5 ये बीच में रह गया था। तो टोटल इस बार 7 डेज आ गए हैं। टैली देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसकी टैली करेंगे। चलिए अब 94 to 96 में चेक करते हैं, 96 को काउंट मत करिएगा, 1 2 3
फोर फाइव सिक्स। सो इस बार की हमारी काउंटिंग सिक्स तक गई है, 1 2 3 4 5 6। सो इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ, वरना थोड़ा सेशन लेंदी जा सकता है। देखिए आगे जो बचे कुछ इंटरवल्स थे उनको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काउंटिंग से ही रखिएगा। अब हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं। देखिए इन सब का टोटल करेंगे तो 30 आ रहा है, मैंने रफली कर लिया है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा 30 से ज़्यादा आ रहा हो या उससे कम आ रहा हो, तो ये आपका काउंटिंग में कहीं दिक्कत हुई है, क्योंकि आप क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो 30 है। ओके, तो सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में लिखा है कि कौन सा सीजन चल रहा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग पता लगाएं। देखिए अगर आप लोग देखें यहाँ पे ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही हाई तक जा रही है, आप लोग देख सकते हैं अगर लास्ट ह्यूमिडिटी हम लोग चेक करें जो सबसे हाईएस्ट गई हो वो 99.2, मतलब 99.2% तक ह्यूमिडिटी चली गई है। सो इसका मतलब ये रेनी सीजन ही होगा, क्योंकि तभी इतनी ज़्यादा नमी होती है। इसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 8 can be observed that the relative humidity is high, काफ़ी हाई है इसमें डेटा के अकॉर्डिंग, therefore the data या given data भी कह सकते थे is about the मंथ ऑफ रेनी सीजन। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो डेटा है वो एक रेनी सीजन के मंथ का है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में आएंगे, हमें रेंज बोला गया है। रेंज देखिए फाइंड करते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इससे हम लोग रेंज फाइंड करते हैं किसी भी डेटा की। अगर हम लोग यहाँ मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो 99.2 तक जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं एक बार। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे 84.9 तक जा रहा है। सो रेंज कैसे निकालेंगे, क्या था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 99.2 माइनस 84.9 विच इज़ इक्वल टू 14.3। सो इस तरह से आप इसकी रेंज को फाइंड करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये टेबल, ध्यान रखिएगा कैसे बनानी होती है, टैली का ध्यान रखिएगा और काउंटिंग में दिक्कत ना आए, बस इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद योर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।